हैप्पी फॉर मेरी सो गाइस, आप सभी लोग कैसे हो। मैं जानती हूँ आप सभी लोग बहुत ही खुश हो, बहुत ही हैप्पी हो अपने लाइफ में। आज मैं एक रिव्यू वीडियो लेके आई जो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और उस प्रोडक्ट का नाम है लोरियल पैरिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सिरप। आप पहले देख लीजिए, मैं इसका पैकेजिंग जो है बाद में आराम से दिखा दूंगी, तो पहले आप इस तरह से देख लीजिए। और ये एक ऐसा सीरम है जो पहले इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल था, लेकिन अभी ये इंडिया में लॉन्च हो गया है, तो बहुत खुशी की बात है। और ये एक ऐसा सीरम है जिसे आप 12 तरीके से यूज कर सकते। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक सीरम को 12 तरीके से यूज किया जा सकता है। मैं अपने डेली लाइफ में इसे दो तरीके से यूज करती हूँ, तो वो कैसे मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। सबसे पहले इसकी पैकेजिंग देख लीजिए, इसका पैकेजिंग कुछ इस तरह का है। और ये ग्लास का बॉटल है, तो हाथ से गिरने से टूटने का चांस होता है। और यहाँ पे एक पंप है, इससे प्रोडक्ट निकलता है। इसको आप लॉक कर सकते हो और अनलॉक भी कर सकते हो, इस तरह से ऐसे लॉक हो गया। मैं पंप कर रही हूँ लेकिन प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है, और इस तरह से आप अनलॉक करके प्रोडक्ट निकल सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, आप इसे लेके ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन ये ग्लास का बॉटल है, थोड़ा सा केयरफुली आपको हैंडल करना पड़ेगा। इसका जो कैप एरिया है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली है, आप इसे लेके कैरी कर सकते हो। इससे प्रोडक्ट थोड़ा सा भी प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, लेकिन ये ग्लास का बॉटल है तो इसे आपको ध्यान से यूज करना। अब मैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता देती हूँ। इसके अंदर 6 तरीके का रेयर फ्लावर ऑयल की कॉम्बिनेशन है जो आसानी से एक साथ मिलता नहीं है, जैसे कि लोटस, टियारे, चैमोमाइल, सनफ्लावर, रोज और फ्लैक्स। इन सारी ऑयल को मिला के इस ऑयल सीरम को बनाया गया है, तो बहुत अच्छी बात है। रेयर फ्लावर ऑयल है, ये आसानी से एक साथ मिलता नहीं है, तो इसके अंदर है ये बहुत ही मतलब अच्छा एक प्रोडक्ट है। और आप इसे एज ए हेयर ट्रीटमेंट भी यूज कर सकते। बहुत सारे तरीके है इसे यूज करने की, तो मैं बाद में डिटेल्स में आपको बताऊंगी, धीरे धीरे करके 12 तरीके बताऊंगी। अब मैं इसके टेक्सचर के बारे में बता देती हूँ। तो मैं पहले इसे अपने हाथों में एक पंप लूंगी, एक पंप या दो पंप जितना आपको जरूरत है अपने बालों के लिए। मैं दो पंप लिया है, यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिया है, तो मैंने यहाँ पे दो पंप लिया है, आप देख सकते हो। मैं एक साइड की बालों में लगाऊंगी। इस सीरम बहुत ही लाइट वेट है और नॉन स्टिकी भी है, आपको चिपचिपापन बिल्कुल भी फील नहीं होगा और हेवी भी फील नहीं। मैंने इस साइड लगा दिया है और थोड़ा सा अपने टिप्स में लगाऊंगी। इसे रूट पे नहीं अप्लाई करना है, सिर्फ अपने हेयर लेंथ पे अप्लाई करना है। इंस्टेंटली मेरे बाल देखिए, और इस तरह का बाल देखिए, मेरे बालों में मैंने कलर किया है, थोड़ा सा मेरे बाल ड्राई है, तो इंस्टेंटली ये बालों को स्मूथ एंड शाइनी बना देता है। ये देखिए मैनेजेबल हो गया है। तो चलो अभी देख लेते हैं मैं इसे दो तरीके से अपने डेली लाइफ में कैसे यूज कर। अभी मैं अपने बालों में कॉम करके दिखा रही हूँ, और देखिए मेरे बाल एकदम सुलझ गए हैं। इंस्टेंटली बालों को स्मूथ एंड शाइनी बना देता है। मेरे लिए बहुत ही इफेक्टिव एक प्रोडक्ट है जिसे मैं अपने डेली लाइफ में यूज कर सकती हूँ। अगर मैं शैम्पू नहीं करती हूँ तो फिर भी मैं लगा देती हूँ, क्योंकि मेरे जो बाल है, यहाँ का बाल है थोड़ा सा ड्राई है, तो मैं इसको सेट करने के लिए हर रोज थोड़ा थोड़ा करके लगाती हूँ। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरा बिफोर एंड आफ्टर की पिक कितने डिफरेंट है। और ये जो वीडियो है दूसरे दिन का वीडियो है, यहाँ पे मैंने शैम्पू किया है, उसके बाद अपने बालों को सुखा लिया है। और इसका जो बॉटल है मुझे बहुत पसंद है, इसका बॉटल जो है ट्रांसपेरेंट है, आपको प्रोडक्ट दिखता है कितना आपने यूज़ किया है और कितना रह गया है इस के अंदर वो दिखता है, तो इसलिए मुझे बहुत पसंद है। और इसका प्राइस जो है 499 है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। मार्केट से आप कोई भी मतलब हेयर सीरम खरीदने जाओगे तो इतना ही प्राइस में आपको मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। और ये 100 ml का बॉटल है और 100 ml आपको 499 rupees में मिलता है। और मैंने यहाँ पर लगा लिया है और फिर उसके बाद कॉम कर लिया, थोड़ा सा और ले रही हूँ, इतना मेरे बालों के लिए काफ़ी है।
टोटल मैंने 3 पंप लिया है और बालों को अच्छी तरह से डिटेंकल कर लिया है। शैम्पू करने के बाद बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, तो इसको लगाने के बाद डिटेंगल करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो डिटेंगल करने के बाद मैं अपने फ्लैट आयरन से यहाँ पे अपने बाल को स्टाइल करूँगी। आप देख पा रहे हो बाल इंस्टेंटली कितना मतलब शाइनी दिख रहा है और बहुत ही मैनेजेबल रहता है। और मैं आपको 8 घंटे तक इसका अपडेट देती रहूँगी कि 8 घंटे तक मेरे बालों का टेक्सचर कैसा था और मेरे बालों का हालत कैसा हुआ है। तो आप देख लेना। और स्टाइल करने के बाद थोड़ा सा और लगा के मैं अपने बालों को कोम कर लिया है, यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ये प्रोडक्ट आप एक बार ख़रीद के देखिए, परचेस लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और यहाँ पे है मैंने 2 PM अप्लाई किया है, 2 बजे तक, 2 बजे के आसपास मैंने अप्लाई किया है और ये 4 बजे के आसपास इसका जो अपडेट है मैं दे रही हूँ। और मैंने इस प्रोडक्ट और भी क्लेम करता है, जैसे कि आपकी हेयर टाइप जो भी हो, मतलब ड्राई हो, ऑयली हो या फिर कॉम्बिनेशन हो। मेरे जो हेयर है कॉम्बिनेशन है ऑयली स्कैल्प है और लेंथ जो है ड्राई है, तो मेरे लिए बहुत ही मतलब एक इफेक्टिव प्रोडक्ट है। और मैं अपने लेंथ पे लगा लेती हूँ, मेरा ये लेंथ जो है ड्राई है, लेंथ पे लगा लेती हूँ तो इंस्टेंटली मेरे जो लेंथ का हेयर है इंस्टेंटली सिल्की स्मूथ हो जाते हैं। और भी इस प्रोडक्ट और भी क्लेम करता है, जैसे कि सनलाइट से प्रोटेक्ट करता है अप टू 230 डिग्री, और मेरा जो फ्लैट आयरन है वो है 210 डिग्री। तो आप सोच सकते हो कितना ये हीट से प्रोटेक्ट करता है। इसको लगा के कोई भी हेयर स्टाइल कर सकते हो, जैसे कि कर्ली स्ट्रेटन कोई भी कर सकते हो। इस प्रोडक्ट ह्यूमिड वेदर में भी आपकी बालों की प्रोटेक्ट करता है, तो आपकी बाल कर्ली है तो उसमें भी बहुत अच्छे से काम करता है। इस प्रोडक्ट और भी क्लेम करता है, अगर आपकी बाल केमिकली ट्रीटेड है तो बहुत अच्छे से उसमें काम करता है। जैसे कि आप अपने बालों में कलर किया है या फिर स्ट्रेटन किया है या फिर कर्ली किया है या फिर कोई भी केमिकली ट्रीटेड होता है तो उसमें भी बहुत अच्छे से काम करता है। केमिकली ट्रीटमेंट के बाद आपकी बाल थोड़ा सा ड्राई हो जाते हैं, जैसे कि मेरे बाल थोड़ा सा ड्राई है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में शेयर किया था कि मैं अपने बालों में कलर किया है, मेरे बाल थोड़ा सा ड्राई हो गया है, तो मेरे बालों में बहुत अच्छे से काम करता है। केमिकली ट्रीटेड बालों में लगाने के बाद आपकी बाल जो है सिल्की स्मूथ तो हो जाती है, लेकिन ये हेल्दी भी कर देता है। इसके अंदर 6 रेयर फ्लावर ऑयल है जो आसानी से मिलता नहीं है, तो ये एक हेयर ट्रीटमेंट भी आप यूज कर सकते हो। मैं इस ऑयल सीरम को आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी आपके डेली हेयर केयर रूटीन में ऐड करने की। इसका जो परचेस लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाके खरीद सकते हो। मैं बताऊंगी इसका जो 12 तरीका है कैसे आप इसे यूज कर सकते हो वो बताऊंगी। तो सबसे पहले अगर आपकी बाल बहुत ही ड्राई है और आप शैम्पू भी नहीं किया है तब भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा सा लेके आपने ड्राई लेंथ पे लगा दीजिए तो इंस्टेंटली वो सिल्की स्मूथ दिखता है। नंबर 2 है बिफोर ब्लो ड्राई, ब्लो ड्राई करने से पहले आप इसे लगा सकते हो। और नंबर 3 जो है प्री शैम्पू ट्रीटमेंट, आप बालों में शैम्पू करने से पहले लगा दीजिए, 45 मिनट तक रहने दीजिए बालों की लेंथ में, उसके बाद आप शैम्पू कर लीजिए और आपके बाल बहुत ही मतलब मैनेजेबल रहेगा। और नंबर 4 जो है कंट्रोल फ्रिजनेस, और नंबर 5 जो है बिफोर स्टाइलिंग, और नंबर 7 जो है डिटेंगल करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हो, और नंबर 8 जो है प्रोटेक्ट करता है आपके बालों को स्प्लिट एंड होने से, स्प्लिट एंड से प्रोटेक्ट करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। आप इस ऑयल सीरम को एज ए ओवरनाइट ट्रीटमेंट भी कर सकते हो, जैसे कि आप अपने बालों में लगा के सो जाए, जैसे ऑयल लगाते हैं ऑयल स्कैल्प में लगाते हैं, लेकिन इसको आप लेंथ पे लगा के सो जाइए और सुबह उठ के शैम्पू कर लीजिए, बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही मैनेजेबल रहता है। मैं सारे तरीके अप्लाई किया है अपने बालों में, फिर जाके आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और आखिरी जो तरीका है, आप इसे DIY हेयर सैलून ट्रीटमेंट भी कर सकते हो। तो गाइस, मैं आशा करती हूँ कि मेरा इस रिव्यू वीडियो आपको जरूर पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे परचेस कीजिए, परचेस लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आप इसे अपने डेली लाइफ में डेफिनेटली ऐड कीजिए, मैं तो इसे बहुत ही हाईली रिकमेंड करूंगी। सो गाइस, आज का वीडियो इतना ही है, अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।
सो गाइस टेक केयर, बाय बाय।